Assalamualaikum dear student, now we will solve the programming of lab activities page 94 of FCS second year part 10. Write a program that print the sum of following sequence using for loop. हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि जो कि सम प्रिंट करेगा फ्रॉम 30 टू 60. दिस प्रोग्राम इज फ्रॉम लैब एक्टिविटीज पेज 94. अ प्रोग्राम बाय यूजिंग फॉर लूप वो सम प्रिंट करेगा 30 से लेकर 60 तमाम नंबर्स का वो प्रोग्राम जो है वो सम प्रिंट करेगा. तो नाउ सी दी मेन प्रोग्राम. यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. इंटीजर एक्स और इंटीजर सम. सम को इनिशियल हमने जीरो दे दिया है क्योंकि हम सम प्रिंट करेंगे. एक्स की वैल्यू 30 से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है अभी देख रहे हैं आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो काउंटर स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया है कि इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीमेंट बाय 3. अभी काउंटर स्टेटमेंट में 3 की अगर बुक में रिक्वायरमेंट होती कि 5 के इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे हम x प्लस 5 कर देते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में रिक्वायरमेंट है 3 की तो हमने x प्लस 3 कर दिया. अब ये लूप 30 से स्टार्ट होगी x की वैल्यू और 60 तक जाएगी. पहले x की वैल्यू 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, 60 तक जाएगी. और ये सम का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, जो कि यहां कैलकुलेट हो रहा है. फार्मूला ऑफ फॉर सम. जब ये लूप यहां तक रन हो जाएगी फ्रॉम 30 टू 60, उसके बाद कंट्रोल जंप करके बाहर आएगा. सम इज सम और ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और सम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, जिस तरह इस वक्त सम वेरिएबल के अंदर 495 वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी. तो ये लूप वेरिएबल इनिशियल वैल्यू 30, यहां पे कंडीशन के बने ये काउंटर स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्राम. अब ये इसका छोटा सा प्रोग्राम. अब बिहाइंड इसकी लॉजिक क्या है प्रोग्राम की, ये फार्मूला कैसे रन होता है. नो लेट सी दिस लॉजिक. अब ये प्रोग्राम की लॉजिक ड्राई रन कि 495 वैल्यू आई कैसे. अब देखें, सबसे पहले सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, सम को हमने 0 दी थी. एक्स वैल्यू 30, ये इनिशियल वैल्यू एक्स की. थर्टी से 33 होगी, 33 से 36, फिर 39, 40 लिखूंगी. ये लूप वेरिएबल है, ठीक है ना. एक्स जो है ये लूप वेरिएबल है. थर्टी नाइन, 42, 45, 48, 51, 54, 57, अप टू 60 तक लूप चलेगी. यानी लूप 30 से लेकर 60 तक चलेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टाइम लूप चलेगी. सम में सबसे पहले 0 था, एक्स में 30 था. अब 0 प्लस 30, अब ये वैल्यू हमेशा कंप्यूटर में राइट से लेफ्ट को साइन होती है. ये वैल्यू हमेशा साइन होती है लेफ्ट को. असाइनमेंट किस तरह होती है, हमेशा राइट से वैल्यू लेफ्ट को साइन होती है. 0 प्लस 30, सम को 30 साइन हो गया. अब जब दोबारा लूप चलेगी, एक्स की वैल्यू 33 होगी और सम में 30 मौजूद है. ये 30 वैल्यू सम में, ये सम वैल्यू 30 मौजूद है. 30 प्लस 33, अब सम की वैल्यू 63 होगी. अब अगेन लूप चलेगी, अब एक्स की वैल्यू 36 होगी, पहले 33 थी अब 36, और सम में 63 मौजूद है. 63 प्लस 36, सम की वैल्यू 99 होगी. अगेन लूप चलेगी, एक्स की वैल्यू 39 होगी क्योंकि लूप वेरिएबल एक्स है, ये लूप को बार बार चलाएगा. 39 होगी. अब सम में 99 पड़ा हुआ है, 99 प्लस 39, अब सम की वैल्यू होगी 138. सम में 138 चला गया. अब दोबारा लूप चलेगी, एक्स की वैल्यू होगी 42 और सम में 138 पड़ा. 138 प्लस 42, अब सम में चला गया 180. अब दोबारा लूप चलेगी, एक्स की वैल्यू होगी 45, ये 45 यहां से भी शो हो रही, 45, एक्स वैल्यू 45 होगी. 45 प्लस 180, अब सम में चला गया 225. फिर अगेन लूप चलेगी, अब एक्स की वैल्यू होगी 48, 48 प्लस 225, अब सम की वैल्यू होगी 273. अगेन लूप चलेगी, एक्स की वैल्यू होगी 51, 51 प्लस 273, और सम की वैल्यू होगी 324. फिर अगेन लूप चलेगी, एक्स की वैल्यू होगी 54, ये एक्स की वैल्यू, देखिए ये एक्स की वैल्यू 54, 324 इसमें पड़ा हुआ है सम में, और ये वैल्यू आ गई 378.
अब अगेन लूप चलेगी तो इसकी वैल्यू होगी 57, 378 और ये 435 जो है ये समय चला गया। अब दोबारा लूप चलेगी लास्ट टाइम 60 पे, क्योंकि लास्ट इसके लिए 60 है, तो अब 435 सम में पड़ा, 435 प्लस 60 तो 495 जो है वो सम में 495, यानी जब x की वैल्यू 60 होगी तो सम में 495 चला गया है। और जब ये लूप से कंट्रोल बाहर आएगा सी आउट द सम इज, तो सम वेरिएबल के अंदर से 495 है और ये 495 वैल्यू जो है ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ड्राई रन किया है कि इस प्रॉम्प्ट की आउटपुट 495 कैसे आ रही है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, एंड एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी थ्रू प्रॉपर वे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।